जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में शराब के नशे में धुत लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की, साथ ही मामले की सूचना थाने में देने जा रहे युवकों को भी पीटा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 1.5 दर्जन से भी अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शराब के नशे में धुत लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की, जिसके बाद रिपोर्ट लिखाने आ रहे युवकों की भी पिटाई कर दी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्ती वार्ड नंबर 1 के कुछ लोग शराब पीने रजगा गांव गए हुए थे, जहां कुछ बातों को लेकर ग्रामीण से विवाद हो गया, जिसके बाद 2-3 ग्रामीण घटना की रिपोर्ट लिखाने सक्ती थाने आ रहे थे। तभी फिर वार्ड नंबर 1 के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट कर उनके मोटरसाइकिल को हथौड़े तब्बल से तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दिया गया और थाने नहीं जाने दिया गया। बदमाशों के द्वारा तलवार, फरसा और टंगिया लेकर लगभग 10 से 15 की संख्या में रजगा पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मारपीट करने लगे। ग्रामीणों के विरोध पर और भीड़ देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर पूरा ग्राम आक्रोश में आ गया और लगभग 400 से 500 की संख्या में ग्रामीण बदमाश लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की मांग को लेकर सक्ती थाना पहुंचकर घेराव कर दिए, जिसके मामले की सूचना प्राप्त होते ही एडिशनल SP मधुलिका सिंह, चांपा SDOP पद्म श्री तंवर सक्ती थाना पहुंचकर जानकारी ली और मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेंद्र प्रसाद पिता रोहित राम, उम्र 30 वर्ष, निवासी रजगा ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य लगभग 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। वो लोग गए थे रजगा गांव में खाने पीने के लिए और बाइक का चाबी चोरी हो गया बोल के ना वो लोग चाबी ढूंढने में लगे थे। मैं गया, पहचान के लोग थे, पूछने लगा क्या हो गया भाई लोग बोल के, वो लोग बोले कि चाबी हम लोग का गुम हो गया बोल के ना। फिर मेरे साथ ही मारपीट चालू कर दिए, मैं बीच बचाव किया, फिर इधर उधर हम लोग भाग गए। फिर आधा एक घंटा बाद हम लोग गाँव में इकट्ठा हुए, सरपंच वरपंच से पूछे जो भी, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट कराने आ रहे थे। उसके बाद फिर रास्ते में रोक के रतरिया दवाई दुकान है सामने वार्ड नंबर 1 में, वहाँ पे फिर हम लोग के साथ मारपीट के बहुत मारे हैं, सर में चोट लगा, यहाँ पे मुंह में, हाथ में, पूरा सभी जगह लगा है, बहुत मारे हैं साहब। कितने लोग थे वो? 6 लोग, नाम निर्मल, पिंटू, मुकेश रात्रे, 3 लोग का नाम है याद है, अब 3 लोग लड़के का नाम नहीं है, लेकिन 2 जने अभी अंदर हो गए हैं, उसमें से जो नाम याद नहीं है वो लोग हो गए हैं, और 3 लोग अभी, 4 लोग फरार हैं। बहुत मारे साहब, दौड़ा दौड़ा के मारे लोग, यानी यहाँ वार्ड नंबर के लड़के लोग हमारे गांव का है, गाली गलौज किए, और एक लड़का ने जब समझाया उन लोगों को कि गाली गलौज मत दीजिए भैया गांव में, तो उस लड़का को उठा उस लड़का को मार दिए, उसके बाद भागकर आ गए। उसके बाद मेरे भतीजा यानी कि सक्ती से सब्जी लेकर जा रहे थे, तो उसको बाहन तालाब में रोक कर उसको मारे। फिर मेरे मिस्टर सरपंच और DK जब रिपोर्ट लिखवाने आ रहे थे तो उन लोगों को भी रोक कर हाथ उठा दिए। इसीलिए हम लोग उन आरोपी लोगों को अंदर करेंगे, इसीलिए हम लोग थाना पूरा हमारे गांव रजगा हम लोग घेराव किए हैं। हमारे ग्राम रजगा के एक लड़के को पूरी तरह से मार कर उसके गाड़ी को क्षतिग्रस्त करके हानिकारक रूप से उसको मारपीट किया है, और पूरे गांव वाले का कहना यही है कि जो आदमी इतना गुनाह किया है, इतना मारपीट किया है, गाड़ी वाड़ी को मारा पीटा है, ठोका है, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ग्राम रजगा में आज शाम लगभग 5-6 बजे 5-6 लड़के दूसरे गांव के जाके वहां के एक सुरेंद्र सतनामी नाम के युवक के साथ मारपीट किए, जिसके संबंध में सुरेंद्र के द्वारा FIR कराया गया है, जिसमें 323, 327, 147, 148 के धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसी संबंध में रजगा गांव वाले कुछ 25-30 की संख्या में आए थे थाना में, जो कि कार्यवाही की मांग कर रहे थे, जो कि पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट है तथा FIR होने के बाद अभी शांतिपूर्ण। सक्ती से रामनारायण गौतम की रिपोर्ट, ACN 24।